खुद को ऐश्वर्या राय बच्चन का बेटा बताने वाले 29 साल के संदीप कुमार का झूठ पकड़ा गया। हाल ही में संदीप ने यह दावा किया था कि 1988 में ऐश्वर्या ने IVF के जरिए उसे जन्म दिया था, लेकिन अब संगीत का एक एक सच सामने आ गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि शख्स का असली नाम आदि रेड्डी संदीप है। विजाग पुलिस ने संदीप के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले संदीप ने खुद को AR रहमान का स्टूडेंट होने का दावा भी किया था। इसी के साथ पुलिस को ये भी पता चला है कि संदीप AP स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे बस कंडक्टर का बेटा है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे शराब पीने की आदत है। वहीं पुलिस ने TOI से बात करने के दौरान कहा कि अगर ऐश्वर्या राय उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करती है तो वो कानूनी कार्यवाही में फंस सकता है, और अगर कोई कंप्लेंट मिलती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। पुलिस ने आगे ये भी कहा है कि अगर संदीप मेंटली अनफिट साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करना इम्पॉसिबल हो सकता है। आपको बता दें कि संदीप ने दावा किया था कि ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनने से 6 साल पहले यानी 15 साल की उम्र में IVF के जरिए लंदन में उसे जन्म दे चुकी हैं, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से संदीप इतने सालों से ऐश से दूर रहा। लेकिन अब संदीप का झूठ पकड़ा गया है। देखना ये है कि ऐश इस मामले पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।